नमस्कार, मैं नीतू तो स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। कोविड वैक्सीन के कच्चे माल के लिए यूएस करेगा भारत की तत्काल मदद। भारत में कोरोना संकट की दूसरी लहर कहर भर पा रही है, ऐसे में जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कच्चे माल की सप्लाई में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से कंपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रही है। अब अमेरिका ने भरोसा जताया है कि वह तत्कालीन रूप से कच्चा माल भारत को उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा रूस ने भी भारत को मदद करने के लिए खास विमानों के जरिए मदद भेजी है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने 25 अप्रैल को अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से बात की और वैक्सीन के कच्चे माल की सप्लाई के लिए आश्वासन जताया। अमेरिका ने थेरेप्यूटिक्स, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, वेंटिलेटर्स और पीपी सूट किट भारत को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएफआई समाचार। वेलकम सीएफआई, दे विल बी लॉन्चिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन हियर फ्रॉम 1st of May एंड आई होप एंड विश बेस्ट सक्सेस टू देम इन देयर एंडेवर। मैं दीपक साहब, कार्यपालक पदाधिकारी मानगोर नगर निगम। सीएफआई समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। विधायक प्रतिनिधि अंसार खान के नेतृत्व में मानगो में सरकारी राशन दुकानों पर निष्कर्ष किया गया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के निर्देश अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष पश्चिम विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि अंसार खान के नेतृत्व में मानगो में सरकारी राशन दुकानों पर निरीक्षण किया गया। 2-3 दिन से लोगों की शिकायत मिल रही थी कि दुकानदार राशन नहीं दे रहे हैं और वजन में कम तोला जा रहा है। अंसार खान ने दुकानों पर जाकर रजिस्टर मशीन और तराजू को चेक किया। दुकानदार से पूछा गया टोटल कितना आपके दुकान में राशन धारक है और अभी तक इस महीने में कितने लोगों को राशन दिया गया है और कितना बाकी है। अंसार खान ने राशन दुकानों पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो इंसान मास्क नहीं पहनकर आएगा उसको राशन नहीं दिया जाएगा। मैं अभी तुनशा कॉलोनी में यहाँ पर मैं चेकिंग करने के लिए आया हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने बताया जो राशन दुकानदार हैं हर जगह यही शिकायत मिल रहा है कि कम से कम सरकार को ये चाहिए कि जो अंगूठा लगाया जा रहा है, अंगूठा लगाने से डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है। और उनका यही कहना है कि मौलाना साहब, आप सबसे पहले सरकार तक ये खबर पहुँचाइए जो 1, 2, 3, 4, 5 जो OT नंबर से पहले दिया जा रहा था ऐसे ही उसको अभी लागू किया जाए जिससे कि डिस्टेंस का पालन हो सके। अभी शिकायत मिला है कम से कम 2 से 3 लोगों का डेथ हो गया है दुकानदारों का। उनका सबका यही कहना है क्या नाम है, इसको डिस्टेंस का पालन करते हुए अंगूठे लगाना बंद करवाया जाए। पहले भी कोरोना की बीमारी जो आई थी ना, उसमें भी क्या था कि अंगूठा लेना हम लोग के आदेश के अनुसार बंद हो गया था और OTP के जरिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड नंबर डालने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 OTP करते थे तो सामान वितरण हो जाता, इसलिए कि कार्डधारी का भी डिस्टेंस रहता था, अंगूठा नहीं लगाता था, ठीक है ना, कार्ड में लिख के हम लोग सामान दे 1, 2, 3, 4। हाँ, 1, 2, 3, 4। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता रघुवंश मणि सिंह की रिपोर्ट, TFI समाचार। I would really like to congratulate and welcome Communicative Foundation of India in Jamshedpur. I've come to know that they are starting from 1st of May and I look forward to positive and genuine news once again. Welcome CFI Jamshedpur. From entire Federal Bank family, I extend our warm greetings to all of you, to the entire channel. I hope that more practical news and good news comes to the entire public through your channel. Thank you so much. तिरंगे से रोशन हुआ बुर्ज खलीफा, UAE ने भारत को दिया मजबूत रहने का संदेश। भारत कोरोना वायरस की भयंकर महामारी से जूझ रहा है। यहाँ आए दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गंभीर संकट से गुजर रहे भारत की मदद के लिए कई देश आगे आ रहे हैं और कोरोना से जंग जीतने के लिए भारत का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपनी सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भारत के झंडे के रंगों से रोशन कर देश के साथ खड़े होने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TFI समाचार।
welcome CFI. They will be launching their organization here from 1st of May, and I hope and wish best success to them in their endeavor. मैं दीपक सहाय, कार्यपालक पदाधिकारी मानगोड़ नगर निगम, CFI समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। नई दिल्ली में शुरू हुआ ITBP का सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर। दक्षिणी दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर सोमवार को सुबह 10 बजे चालू हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP केंद्र का दौरा किया। केंद्र गृह मंत्री ने ITBP को छतरपुर में राधा स्वामी व्यास में सेंटर चलाने के लिए कहा था। सेंटर में वर्तमान में 500 बेड है, हालांकि यह माना जा रहा है कि संख्या में और वृद्धि हुई है। केजरीवाल ने यात्रा के बाद ट्वीट किया, आज सुबह राधा स्वामी सुविधा देखी, 500 ऑक्सीजन बेड आज से शुरू हो रहे हैं, अगले कुछ दिनों में और अधिक बेड जोड़े जाएंगे। हम यहां 200 ICU बेड भी शुरू करेंगे। हमारी मदद करने के लिए हम बाबा जी के आभारी हैं। ITBP के मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को भी धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं और मिलते हैं कल फिर से हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।